जय श्री राम, स्वागत है। मेरे भाई बहन, अनुष्ठान के बीच में दिया की बाती बढ़ाने के लिए बड़ी समस्या आती है। बाती हम कैसे बढ़ाएं? कई लोग अगरबत्ती के लकड़ी के द्वारा अथवा कई लोग माचिस की तीली को ऊपर करके ऐसे साइड से ऊपर ऐसे करते हैं, बढ़ाते हैं दिया को ऐसे, और यहाँ से थोड़ा ऊपर आ गया तो इसको और ऊपर यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। कई लोग यहाँ आराम से कैंची से भी प्रयोग कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा थोड़ा रिस्क रहता है ना, जानकारी ना होने के कारण। तो आपको जान के खुशी होगी, बाजार में जहाँ माताओं बहनों के लिए श्रृंगार सामग्री मिलती है, वहीं पर ये चिमटी मिलती है, जिसको वो लोग आईब्रो वगैरह निकालने के काम में यूज करते हैं। अथवा मेडिकल में भी और भी अच्छी चिमटी मिल जाती है, आज मुझे मिली नहीं। ये चिमटी आप बाजार से ले आएंगे, 20-30 रुपए का मिलता है। इस चिमटी के माध्यम से बड़ा आराम से आप जो है दिया को ऊपर बत्ती को कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अथवा इसके द्वारा इसे नीचे कर सकते हैं। अथवा ये फूल आप देख रहे हैं, शास्त्री जी क्रोध कीजिएगा, फूल देख रहे हैं, फूल को भी आराम से ऐसे आप इसके द्वारा ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा रहेगा, थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा, लेकिन थोड़ा नुकीला रहे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जिनका अभ्यास है उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, जब भी आपको अखंड ज्योति की बत्ती को ऊपर करना है, बत्ती को ऊपर करने के पहले एक सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी लोगों का उस लेवल पे अभ्यास नहीं होता है। तो एक ऐसे अलग दिया बना करके रख दीजिए जो आपके नवरात्रि पर्यंत चलेगा, इस बत्ती को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें घी ज्यादा मत डालिएगा, ताकि मात्रा में जल करके और जय जय सियाराम हो जाए। तो इस बत्ती से, इस दीपक से आपने प्रज्वलित कर लिया, इस दीपक को सुरक्षित आपने बगल में रख दिया। अब इसके बाद में ये आराम से, अगर ज्यादा फूल है तो ऐसे आपने फूल निकाल दिया, अथवा इसको ऊपर कर दिया अथवा नीचे कर लिया, जैसा भी सुविधा हुआ। थोड़ा यहाँ कम घी हो रहा है तो इसी के द्वारा आपने थोड़ा घी भी डाल दिया। तो इस प्रकार से नाना प्रकार से आप कार्य कर लेंगे। ये कार्य करते हुए सावधानी पूरा बरतना चाहिए कि ये दीप खंडित ना हो। किसी कारण से अगर बुझ भी गई तो ये जो दिया आपने प्रथम जला के रखा था, इसी दिए की ज्योति से पुनः इसको जो है प्रज्वलित कर देना चाहिए। और बाद में इसका जब घी खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही जय जय सियाराम हो जाएगा। इस दिया को रखिए, चाहे तो इसी से कंटिन्यू 9 दिनों तक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आपके मन में इच्छा यह है कि ये दिया हमारा जूठा हो गया, अशुद्ध हो गया, हालांकि उस रूप में हुआ नहीं है, तो हम अगली बार इसको साफ करके प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। बत्ती भी चेंज कर दीजिएगा, दिया को भी साफ कर लीजिएगा। नहीं करेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। मेरे भाई बहन, किसी भी कारण से अखंड दिया अगर बुझ भी जाए, लाख सावधानी करने के पश्चात भी, तो बिल्कुल दुखी मत होइए। हाँ, एक माला और जाप कर लीजिए, माता जी के सामने 5 मिनट और भी बैठ जाइए। होता क्या है, जैसे आम जीवन में हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, उसके पहले माँ बाप दौड़ करके हमारे आगे आ जाते हैं, हमारे ढाल बन जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे घर की तुलसी मैया, हमारे घर की अखंड ज्योति, हमारे घर के पवित्र पौधे, अथवा जो लोग ढंग से नग अंगूठी वगैरह पहने हैं, तो जब कोई हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो तुलसी माता अपने ऊपर ले लेती हैं, अथवा जो अंगूठी का नग है वो जय जय सियाराम चटक जाता है, अथवा अखंड दिया है वो बुझ जाती है, अथवा आप माला जाप कर रहे हैं तो माला टूट जाता है। ऐसा बहुत सारा अनुभव माता रानी ने हमें स्वयं जीवन में कराया है। इसलिए वहां डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। मतलब ये हुआ कि माता जी की कृपा से, आपके पुण्य के प्रभाव से, जो बहुत बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आने वाली थी, उससे आपको मुक्ति मिल गई। हाँ, उसके बदले में थोड़ा पुण्य आपका अवश्य चला गया। इसलिए कोई कितना भी बोले, इन सब बातों को लेकर डरिए मत। दीप बुझ गया उस तरह से भी आप प्रज्वलित नहीं कर पाए तो डायरेक्ट आप माचिस से जला दीजिए, पुनः प्रणाम कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, और निश्चिंत होकर के माता रानी की सेवा में जैसे आप पहले लगे थे, उससे भी अधिक तरह से लग जाइए। मेरे भाई बहन, आपको लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, अपने भाई बहनों तक अधिक से अधिक जाना चाहिए, तो आप लोग भी कृपया शेयर कीजिए। और व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, हर वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम पर लिंक है, उसको टच करते ही आप hindu.rituals के पेज पर आप पहुंच जाएंगे इंस्टाग्राम के। व्यक्तिगत कोई आपके जीवन में भगवान का अगर समस्या है तो जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर आप मैसेज करेंगे, यहाँ भी आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म भोले, भोले शिव शंकर ब्रह्म भोले।
Oh,